वीडियो में आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविजन्स, मीन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन्स एंड कोवेरियंस। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 20 to 30, 3, 30 to 40, 5, 40 to 50, 6, 50 to 60, 8, 60 to 70, 10, 70 to 80, 9, 80 to 90, 5, 90 to 100, 4, नंबर ऑफ कंपनीज दिए है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है और यहाँ पे 3 0 डाल देने। प्रॉफिट इन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, एंड 90 to 100। और एक्शन, नंबर ऑफ कंपनीज दिया था 3, 5, 6, 8, 10, 9, 5 एंड 4, तो n इक्वल टू 50। इन सब का टोटल किया तो कितना आ गया, 50। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, m मीन्स मिड वैल्यू। तो जैसे आपको पहले सिखाया 20 plus 30, 50 डिवाइडेड बाई 2, 25। 30 plus 40, 70 डिवाइडेड बाई 2, 35। 40 plus 50 डिवाइडेड बाई 2, 45। 50 plus 60 डिवाइडेड बाई 2, 55। 60 plus 70 डिवाइडेड बाई 2, 65। 75, 85 एंड 95। सबकी मिड वैल्यू निकाल दी। अब हमने क्या निकालना है, एफ एम मीन्स एफ को मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। 325 75, 535 175, 45 6 2 70, 55 8 4 4 0, 65 10 650, 75 9 6 7 5, 85 5 4 2 5, 95 4 380। अब हमने क्या किया, इन सबका टोटल किया, इसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास 3090। तो आपको पता है सबसे पहले हमने मीन निकालना है। क्या निकाल रहे हैं, मीन। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन एंड 3090 डिवाइडेड बाय 50। 0 0 कैंसिल, 309 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 61.8। मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 61.8। सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, मीन। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने डी एक्स लेना है। डी एक्स मीन्स एम। एम क्या हमारे पास, मिड वैल्यू माइनस ए। तो ए हमने क्या माना, 55, क्योंकि यहाँ पे जितनी वैल्यूज दी हैंगी तो हमने कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो हमने क्या माना आपको, यहाँ पे वैल्यूज 55। तो एम कितनी वैल्यूज आ गई, 55। ए 55 आ गया, तो एम माइनस 55। एम कितना था, 25 माइनस 55 माइनस 30। एक्शन, एम माइनस ए किया तो एम क्या था, 25 माइनस ए 55, 25 माइनस 55 माइनस 30, 35 माइनस 50 माइनस 20, 45 माइनस 55 माइनस 10, 55 माइनस 55 0, 65 माइनस 55 10, 75 माइनस 55 20, 85 माइनस 55 30, 95 माइनस 55 40। यहाँ पे आ गया 40। अब एफ डी एक्स, एफ यहाँ पे और डी एक्स हमारे पास यहाँ पे 330 था, माइनस 30 माइनस 90, 520 माइनस 100, 610 माइनस 60, 800 10 100 920 180, 530 150, 440 160। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले अलग से प्लस कर लेंगे और प्लस वाले अलग से। 90 100 एंड 60, 2 माइनस 250 माइनस किया 100 प्लस 180 प्लस 150 160। तो यहाँ पे वैल्यूज आ गए हमारे पास 340। समीशन ऑफ एफ डी एक्स कितना गया, 340। अब हम क्या निकालेंगे, एफ डी एक्स का स्क्वायर। एफ डी एक्स को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यूज को इस वैल्यू के साथ। एफ डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, माइनस 30 माइनस 90 2700, 20 मल्टीप्लाई 100 2000, 10 मल्टीप्लाई 60 600, 0 और 0 0, 10 100 1000, 180 इंटू 20 3600, 150 इंटू 30 4500, 160 इंटू 4 6400। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो हमारे पास ये टोटल आ रहा है
20800 सबका टोटल किया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेशन, समेशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। हमारे पास समेशन ऑफ एफ डी एक्स कितना था, 20800। एन कितना हमारे पास, 50 माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स 340 अपॉन 50 होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हमने 20,800 डिवाइडेड बाई 50, 0,0। यहाँ पे हम हमारे पास आ गया 416, 5, 4 जै 20, 1 जै 5, 3, 0, 36 माइनस 0,0 कैंसिल, 5, 6 जै 0.8 का स्क्वायर। एक्शन, यहाँ पे अब वैल्यूज आ गई 416 माइनस 6.8 का होल स्क्वायर किया तो हमारे पास आता है 46.24। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 416 माइनस 46.24 तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई इसकी, 369.76 स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास वैल्यूज आती है 19.22। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। अब इसके बाद उसने पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन कितना निकाला हमने, 19.22, तो मीन कितना निकाला, 61.8। 19.22 डिवाइडेड बाई 60.8 तो हमारे पास वैल्यूज आती है 0.31। तो हमारे पास क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकाला हमने 19.22 और मीन निकाला हमने 61.8, दोनों को डिवाइड किया तो कितना पास हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.31। अब इसके बाद हमने निकालना था सी बी, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन इंटू 100। 19.22 61.8 इंटू 100 तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.31 इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू 31%। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 31। 0.31 को मल्टीप्लाई किया 100 तो 31, तो हमारे पास सी वी की वैल्यू आ गई 31। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।